हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू साइंस क्लास। बिफोर स्टडी वी टेक अ स्मॉल रिकैप व्हाट वी लर्न लास्ट सेशन। यस्टरडे वी लर्न आईज, ईयर एंड नोज, हेयर एक्सरसाइज। कल हमने पढ़ा था आंख, नाक और कान की देखभाल किस तरीके से की जाती है, बालों को किस तरीके से साफ रखना चाहिए और एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन ऑन डेट एंड गिव यू आंसर मी। ओके, शैल वी स्टार्ट? देन क्वेश्चन नंबर वन इज, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ अवर हेयर? हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ अवर हेयर? हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ अवर हेयर? हम अपने बालों की देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं? टेल द आंसर स्टूडेंट। यस यस Yes, it is correct answer. We must wash our hair regularly with soap or shampoo and brush or comb our hair every day. हमें हर दिन अपने बालों को साबुन या शैम्पू से धोना चाहिए और उसे हर दिन उन्हें अच्छे से कंघी से करना चाहिए, है ना? Then question number two, how should we take care of our eyes, ear and nose? How should we take care of our eyes, ear and nose? How should we take care of our eyes, ear and nose? Tell the answer student. Yes, 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 it is correct answer. We must wash our eyes, ear and nose while bathing. हमेशा नहाते समय इन तीनों चीजों को अच्छे से साफ धोना चाहिए। कान साफ करने के लिए कॉटन बट का इस्तेमाल करना चाहिए। We should use a cotton bud for it. And we should use a clean handkerchief for it. It मतलब नोज के लिए क्लीन हैंकरचीफ यूज करना चाहिए और कान के लिए कॉटन बर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, why it is important to exercise? Exercise important क्यों है? Tell the answer student. Yes, yes. Yes, it is correct. Exercise keeps our body fit and healthy. Exercise से हमारा शरीर fit और healthy रहता है, इसीलिए exercise करना जरूरी होता है. Okay, now today we will learn healthy eating habits. आज हम पढ़ेंगे तंदुरुस्त रहने के लिए अच्छे खाने की आदतें. अच्छे खाने की आदतें मतलब खाना हमेशा अच्छा ही होता है, पर कौन सी अच्छी आदतें हमें खाने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? आप सबको पता है कि कौन सी अच्छी आदतें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें खाने के पहले, खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। इस तरीके की आदतें हमें खाने के संबंध में और कौन कौन सी चीजें दिया है हम पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टडी यू टेक योर पेंसिल और हाईलाइटर इन योर हैंड एंड आई विल टेल यू विच सेंटेंस इज हाईलाइटेड and you highlight this sentence. Okay, shall we start? Then start. Put pencil on sentence. Healthy eating habits. आरोग्य के लिए, तंदुरुस्ती के लिए खाने से संबंधित कौन सी अच्छी आदतें हमें लगाना चाहिए? We must have a balanced diet every day. हमें हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब क्या? हमें हमेशा बैलेंस में, मतलब एक सेम क्वांटिटी में हर दिन खाना खाना चाहिए। कभी ज्यादा, कभी कम, कभी खाया, कभी नहीं खाया, इस तरीके की आदत हमारी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, ये सारी फ्रूट्स, ये सारी ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें हमारे खाने में इन्वॉल्व होनी चाहिए, ताकि हमें जो पोषण मिलना चाहिए, हमें जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें जो है, न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे बॉडी में जाना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड अवर डाइट। जो मात्रा, अमाउंट मतलब जो मात्रा, जो क्वांटिटी हम अपने हर दिन के खाने में लेते हैं, उसे डाइट कहते हैं। आप इस सेंटेंस को हाईलाइट कीजिए। देखो मैंने हाईलाइट किया है बेटा, आप लोग भी हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट दिस सेंटेंस, द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड अवर डाइट। ओके, वी मस्ट वॉश अवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। खाने के पहले और खाने के बाद हमेशा हाथ धोने चाहिए। वी मस्ट ईट इन क्लीन वेसल्स। हमें हमेशा साफ सुथरी धुली हुई चीजों में ही खाना खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
क्लीन धुली हुई प्लेट, बाउल्स वगैरह, स्पून है, इन चीजों का इस्तेमाल हमें खाने के लिए करना चाहिए। वी मस्ट ईट फूड दैट इज केप्ट कवर, हमें हमेशा ढका हुआ खाना ही खाना चाहिए। खुले खाने में एयर पास होती है और एयर में आप जानते हो बहुत सारे माइक्रोबीज होते हैं, जर्म्स होते हैं, वायरसेस होते हैं जो खाने के साथ पेट में जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। इसलिए हमेशा खाना क्या होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। वी मस्ट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, हमें दूध हर दिन पीना चाहिए क्योंकि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, विटामिन मिलते हैं और मिनरल्स भी मिलते हैं। कैल्शियम विटामिन की वजह से हमारे बोन्स है, जो हमारी हड्डियां है, दांत है, वो मजबूत होते हैं। इसलिए हर दिन दूध पीना जरूरी है। इट हेल्प अस टू ग्रो, वो हमें बढ़ने में भी मदद करते हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। देखो, एक दूध से हमारी हड्डियां, दांत मजबूत होते हैं, हम बढ़ते हैं और हमें हमें बीमारियों से वो बचाता है। वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, हमें हर दिन 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पीते हो तो डजेंट मैटर, आप बहुत अच्छा करते हो। अगर आप 6 और 8 ग्लास से भी कम पानी पीते हो तो बेटा आप ज़्यादा पानी पियो, ताकि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क कर सके। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 90% वाटर से बनी हुई है, और अगर हम 90% वाटर हमारे बॉडी में नहीं गया तो हमारे जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, ये वर्क करना बंद कर देंगे और फिर फॉर एग्जाम्पल हम मर जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना जरूरी होता है। फैक्ट 5, डाइट हैविंग ऑल सब्सटेंसेस नीडेड फॉर अस टू बी हेल्दी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, ऐसी डाइट जिसमें हर तरीके की चीज़ें होती है जिससे हम हेल्दी बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट। ओके, आफ्टर क्लास आई गिव यू अ होम वर्कशीट एंड यू हैव टू सॉल्व दिस वर्कशीट इन द फेयर कॉफी एंड इट इज़ कंपल्सरी। सी यू सून, बाय बाय।